तो फाइनली पोको M3 यूजर के लिए खुशखबरी, आप लोग MIUI 14 के अंडर आ गए हो, मतलब अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो गया है पोको M3 पर MIUI 14 का अपडेट। तो दोस्तों आपको जो वर्षन इधर देखने के लिए मिल रहा है पोको M3 पर MIUI 14 का अपडेट का वर्षन 14.0.2.0, और इस अपडेट के साथ आपको जो साइज देखने के लिए 628 MB का OTA साइज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट कोई भी फीचर्स नहीं है क्योंकि एंड्रॉइड 13 के साथ MIUI 14 में आपको फीचर्स देखने के लिए मिल रहा है, और एंड्रॉइड 12 के साथ ये वाला अपडेट आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए आपको 90-92% आपको फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेगा जो MIUI 14 में आता है। बट जो फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा वो है साइड बार का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट वन टाइम आप एक ही एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे और उसके साथ आपको कोई भी फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि इधर जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स का ऑप्शन थोड़ा कस्टमाइज होकर आ रहा है, मतलब रीऑर्गेनाइज हो गया है, और MIUI 14 का जो लोगो है लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके साथ जो वजिट का ऑप्शन, सुपर आइकन, सुपर फोल्डर, गैलरी से आप कोई भी कॉपी वगैरह कर पाओगे, मतलब कैमरा एप्लीकेशन से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना का फीचर्स, जो काफ़ी अच्छा फीचर्स है MIUI 14 का, वो फीचर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि इस अपडेट के बाद और एक दो अपडेट आएगा, सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट, उसका बाद इसका भी अपडेट स्टॉप हो जाएगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा। और दोस्तों इस अपडेट के साथ आपको अप्रैल मंथ का सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा, बट आपको अपडेट नहीं करना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि पोको M3 पर जब MIUI 12 का अपडेट आया था ना, पोको M3 डेड हो गया था, बहुत सारा यूनिट डेट का इशू फेस किया था। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ अपडेट के बाद आप लोग वेट कीजिए, एक महीने तक वेट कीजिए, फीडबैक चेक कीजिए, यूज़र रिव्यू चेक कीजिए, उसका बाद आप लोग सेफली अपडेट कीजिए, क्योंकि ये MIUI 14 का फास्ट अपडेट है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट दे रहा हूँ अभी वेट कर जाइए, उसका बाद आप लोग वेट करके रिव्यू वगैरह चेक करके, फीडबैक वगैरह चेक करके, उसका बाद अपडेट कीजिए। दोस्तों आप इसे कौन कौन पोको M3 अभी यूज़ कर रहे हो और जो फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो फीचर्स को मैंने शेयर किया ये छोड़कर आपको कौन सा फीचर्स चाहिए था, वो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बताइए, और वेट कीजिए नेक्स्ट।